नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स और मैं हूं संदीप यादव। मोदी सरकार के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने शुक्रवार को भाषण दिया। उन्होंने किसानों, राफेल डील और नोटबंदी पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। करीब 35 मिनट के भाषण के बाद राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी सीट पर बैठने के बाद आँख मार कर पीएम की तरफ इशारा किया। उनके ऐसा करते ही वह एक बार फिर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे हैं। बीते दिनों साउथ एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ था, जिसमें वह आंख मारती हुई नजर आती हैं। संसद में राहुल के आंख मारने की इस वीडियो की तुलना प्रिया प्रकाश के वायरल वीडियो से हो रही है। बता दें कि भाषण खत्म करने के बाद जब राहुल गांधी अचानक पीएम मोदी की सीट पर गए और उन्हें गले लगाया तो पूरा सदन भौचक्का रह गया। पीएम को गले लगाने के बाद जब राहुल जा ही रहे थे तभी प्रधानमंत्री ने उन्हें वापस बुलाया और उनकी पीठ थपथपाई। सोशल मीडिया पर राहुल और प्रिया प्रकाश की वीडियो की एक साथ तुलना करते हुए लोगों ने जमकर चुटकी ली है। एक यूजर ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि राहुल इंटरनेट सनसनी को सोशल मीडिया पर जरूर हराएंगे। वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी आंख मारकर प्रिया को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं।